बिहार के गया में कई गांवों की आबादी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। इन गांवों में बच्चे पैदा तो सही सलामत होते हैं, लेकिन कुछ साल बाद ही इनकी हड्डियां जवाब देने लगती हैं और ये अपाहिज हो जाते हैं। गया जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी आबादी अपाहिज हो चुकी है। गांव में बच्चे पैदा होने के कुछ ही साल बाद इनका शरीर साथ छोड़ने लगता है। इनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये गांव वाले वर्षों से फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं और विकलांगता को इन्होंने अपनी तकदीर मान लिया है। चमरडी, बहादुर बिघा, इस्माइलपुर जैसे कई गांव में हर घर में विकलांग जरूर मिल जाएंगे। और दूसरी है केवाली का टोला, जोरी बिघा, ये चारों गांव में पर्याप्त मात्रा में फ्लोराइड है जिससे बच्चे का बदन टेढ़ होता जा रहा है। इसके लिए 5-6 साल पहले गिरी शंकर सिंह जो बिहार के सचिव थे उनके द्वारा पहल किया गया था और उस समय मुखिया यहाँ रामखिलावा यादव थे तो उन्होंने कैंप लगवाया था जिससे फ्लोराइड की 2 टंकी लगी, एक चुरामन नगर में, एक इस्माइलपुर में। कुछ दिन तक चला लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पानी की समस्या है। पानी अगर दूसरे गांव से दिया जाए यहाँ पाइपलाइन के द्वारा तो मुझे यकीन है कि यहाँ 100% काम। इन गांव में पानी के अलावा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। दूसरे गांव के लोग यहां शादी से भी बचते हैं क्योंकि उन्हें अपंग हो जाने का खतरा रहता है। यहां रहने वाले ज्यादातर ग्रामीण महादलित हैं और भीषण गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन भूजल में फ्लोराइड की समस्या से जूझने की कहानी बिहार के किसी एक गांव की नहीं है। बिहार सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 11 जिलों के 8188 गाँव ऐसे हैं जहाँ भूजल में फ्लोराइड की मात्रा सामान्य से ज्यादा है। गैर सरकारी रिपोर्ट कहती है कि बिहार के 30-50% जिलों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 2017-18 में नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन के तहत बिहार को 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन जमीन पर काम नजर नहीं आता। गांव के शिक्षक संजय प्रसाद के मुताबिक 2 साल से सरकार का कोई भी अधिकारी गाँव में झांकने भी नहीं आया है और यहाँ लगा कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी वर्षों से बंद है। 2 साल से कोई प्रयास नहीं है। 2 साल पहले सरकार की तरफ से प्रयास किया गया था जिसमें यहाँ टंकी भी लगाया गया और हर चापाकल में एक फिल्टर लगाया गया था जो अभी आज के डेट में वो फिल्टर खराब हो चुका है। सरकार ने अभी पहल की थी लेकिन 2 साल से सरकार का जो नजरिया है वो दूर हो गया। ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा से देश के कमोबेश सभी राज्य जूझ रहे हैं, लेकिन बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। गोनीज ब्यूरो।